हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। पहाड़ी के ऊपर जंगल से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे क्योंकि वहाँ सुविधाएं कम थी और साथ साथ ठंड बहुत ज्यादा थी। और उसी गांव में कविता एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। आइए बाबू, कविता के ढाबे पर आइए और गर्मा गर्म ऑमलेट खाइए। गाँव के लोगों में कविता के ऑमलेट के चर्चे थे। गाँव वाले कविता के ढाबे पर तंदूरी रोटी और ऑमलेट खाने जाते थे, लेकिन गांव में ज्यादा लोग नहीं थे इसीलिए कविता की ज्यादा कमाई भी नहीं होती थी। उसका पति अपाहिज था और चल फिर नहीं सकता था, और उसकी इकलौती बेटी को सांस फूलने की बीमारी थी। घर की सारी जिम्मेदारी कविता के ऊपर ही थी। वो अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने साफ कह दिया, आपके बेटे को कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है, सांस फूलने की बीमारी है। इस बीमारी से बहुत लोग मर जाते हैं। आप अपनी बेटी के लिए इनहेलर क्यों नहीं लेती? जल्दी खरीद लीजिए, नहीं तो हम आपकी बेटी को बचा नहीं सकेंगे। कविता बेबस थी। उसने पूछा, डॉक्टर साहब, एक इनहेलर की कीमत कितनी होती है? 1000 रुपए, और महीने में 2 इनहेलर की जरूरत है आपकी बेटी को। बाप रे, महीने के 2000 रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे? और आपकी सास को भी महंगी दवाइयों की जरूरत है। आपके पति को ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन के बाद ही वो चल पाएंगे। ऑपरेशन के लिए पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत होगी। ये सब सुनते हुए कविता रो पड़ी। मैं साधारण सा ढाबा चलाती हूँ डॉक्टर साहब, सिर्फ ऑमलेट और रोटी बेचती हूँ। मैं अकेले इतने सारे पैसों का जुगाड़ कैसे करूँगी? भगवान पर भरोसा रखिए कविता जी, वो कभी कभी ऐसे चमत्कार कर देते हैं कि उसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। बस भगवान पर ही कविता का भरोसा था, और इसके लिए कविता को एक चमत्कार की जरूरत थी। वो अपनी बेटी को लेकर घर लौट गई और उसके पति ने कहा, क्या बोला डॉक्टर ने? वही घिसे पिटी बात बोली होगी। हाँ वही, पैसों की जरूरत है। आपके पास कोई जमीन वगैरह नहीं है क्या? मैं क्या जमींदार देखता हूँ तुझे? फालतू की बात करती है। बीमारी की वजह से कविता का पति चिड़चिड़ा हो गया था, बात बात पर गुस्सा हो जाता था और कविता पर ही चिल्ला देता था। उसकी सास भी काम नहीं कर पाती थी, इसीलिए ढाबे से लौटने के बाद कविता को ही घर का काम करना पड़ता था। बहू, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिला दे। हाँ माझी लाई। कविता ने रोटी और ऑमलेट बना दिया और उसके पति ने खाने से इनकार कर दिया। ये तेरा ढाबा है क्या जो रोटी ऑमलेट खिला रही है? कुछ और खिला। जी खिलाती हूँ। कविता बहुत अच्छी थी, लोग चाहे उसे 1000 गाली क्यों ना दे वो चुप रहती थी। इस वजह से गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे, और कविता का जीवन इसी तरह दुख दर्द सहते हुए कट रहा था। ठंड का मौसम आ गया था और ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी, और एक दिन कविता ढाबे पर काम कर रही थी। इतने में स्कूल के 2 बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए। चाची जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहाँ जाना है बेटा? स्कूल चलो चाची, पूजा बेहोश हो गई है। क्या, मेरी बेटी बेहोश हो गई? चल चल। कविता भी दौड़ती हुई उन बच्चों के साथ स्कूल पहुँच गई। उसने देखा पूजा आँख बंद करके पड़ी हुई है। उठ जा बेटी, उठ जा, क्यों है तुझे, उठ जा। कुछ देर पानी का छींटा मारने के बाद पूजा को होश आया, और उसके बाद डॉक्टर आए। कविता जी, अब तो इसे इनहेलर चाहिए ही चाहिए, ठंड भी बढ़ गई है, 2-3 दिन में बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। इस साल आपकी बेटी ठंड सह नहीं पाएगी। माँ, मैं मरना नहीं चाहती। माँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। नहीं बेटी, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। लेकिन कविता अकेली क्या ही करती, वो भगवान को बुलाने लगी। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, मुझे मदद करने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो भगवान, सिर्फ आप ही हो। भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं, कोई ना कोई तरीके से उसे जीने का सहारा दे ही देते हैं। लेकिन कविता को वो कैसे मदद करने वाले थे? कविता बर्फबारी से डर रही थी। पता नहीं बर्फबारी शुरू हो जाने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, वो ठंड सह पाएगी या नहीं। कविता ने गुल्लक तोड़ दिया और उसमें से 150 रुपए मिले। 150 रुपए में तो आजकल कुछ नहीं होता, और ऐसे ही कविता की समस्याएं बढ़ने लगी। अगले दिन से स्नोफॉल शुरू हो गया, पूरा गांव सफेद बर्फ से ढक गया, और ये देखकर कविता सिसक सिसक कर रोने लगी। मैं हार गई, मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाई, मैं कितनी बुरी माँ हूँ भगवान, मैं कितनी बुरी माँ हूँ। लेकिन कविता को नहीं पता था कि इसी बर्फ की वजह से उसे एक मौका मिलने वाला है। 2-3 दिन पहले कुछ टूरिस्ट पहाड़ पर घूमने के लिए आए थे। वो इस गाँव से बहुत दूर एक शहर में रुके हुए थे, लेकिन उस शहर से एयरपोर्ट का रास्ता इसी गांव से होकर जाता था। छोटा गांव था इसीलिए कभी किसी भी टूरिस्ट ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था।
बर्फबारी शुरू हो जाने के बाद गांव के लोग जल्दी घर के अंदर घुस जाते थे। कविता शाम होते ढाबा बंद कर ही रही थी कि तभी वहाँ एक टूरिस्ट कार आकर रुकी। बर्फ की वजह से वो गाड़ी एयरपोर्ट पर नहीं जा पाई। गाड़ी में से एक आदमी निकला और सामने कविता को देख कर पूछा, एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई होटल है क्या? होटल? गांव में होटल तो नहीं है साहब। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हम रात कहाँ बिताएंगे, खाना भी कैसे खाएंगे? गाड़ी में से उस आदमी की बीवी बाहर आई और उसने कहा, अरे वाह, इतनी ठंड में गर्मा गर्म रोटी ऑमलेट, मजा आ जाएगा, हम ढाबे पर रह लेंगे। कविता ने फटाफट रोटी ऑमलेट बना दिया और वो खाकर वो दोनों खुश हो गए। ऑमलेट तो वाकई बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं अच्छा ऑमलेट बनाती हूँ। बहन जी, ठंड बहुत है, आपके ढाबे पर हीटर तो है ना? नहीं तो हम रहेंगे कैसे? हीटर? वो तो नहीं है, असल में इस गांव में बाहर का कोई भी कभी रुका ही नहीं है ना। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। कविता तंदूर का इस्तेमाल करती थी, उसमें कोयला जला दिया और उसकी वजह से ढाबे के अंदर गर्माहट छा गई और दोनों टूरिस्ट आराम से सो गए। अगली सुबह जब वो जागे, फिर बातों ही बातों में उन्हें कविता के घर के हालात के बारे में भी पता चला। कविता की मेहमान नवाजी से खुश होकर और उसके दुखों को देखते हुए उस आदमी यानी कि मिस्टर मेहरा, जो कि देश के जाने माने डॉक्टर थे, उन्होंने कविता को 5 लाख रुपए मदद के तौर पर दिए। साथ ही उसके परिवार का मुफ्त में इलाज करने का वादा भी किया। इतने पैसे देख कविता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने कविता के परिवार को अपने पास शहर बुला लिया, साथ ही उनका मुफ्त में इलाज किया। फिर कविता जब अपने परिवार के साथ गांव लौटी तो वहाँ का नजारा देख वो हैरान रह गए। गांव में उसके ढाबे के पास टूरिस्ट की भीड़ लग गई, लोगों को घूमने की नई जगह मिल गई। अचानक से इतनी भीड़ देखकर कविता घबरा गई, लेकिन फिर तुरंत उसने अपने आप को संभाल लिया और ऑमलेट रोटी बनाने में लग गई। देखते ही देखते कविता के पास ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। अब ग्राहक ज्यादा और जगह छोटी पड़ने लगी, इसलिए मल्होत्रा द्वारा दिए गए पैसों से कविता ने बड़ा होटल बना लिया और हर कमरे में हीटर लगा दिया। वो दिन पर दिन नोट छापते गए और काफी अमीर हो गए। और ऐसे ही ऑमलेट वाली कविता और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। ये कहानी है माधोपुर गांव के अजय और पायल की। वैसे तो अजय के पास कहने को बहुत सारी जमीन है, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा गांव के सेठ के पास गिरवी रखी होती है। अपनी बची हुई जमीन पर खेती करके अजय और पायल बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ जाता है, जिस कारण अजय की जमीन पर एक भी अनाज नहीं उगता। इस बार फसल का एक दाना नहीं हुआ है, अब हम क्या करेंगे जी, क्या खाएंगे, ऐसे तो भूख से मर जाएंगे हम। मैं काम करता हूँ, सेठ से कुछ कर्ज उधार ले आता हूँ। पहले ही हमारे सर पर उनका इतना कर्जा है, अब मुझे और कर्जा नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है हमारी सारी जिंदगी ब्याज भरने में ही निकल जाएगी। तो क्या करें, भूख से मर जाएं, मुझे भी इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम शहर चले और वहीं कुछ शुरुआत करें। लेकिन शहर जाने के लिए भी तो हमें कुछ पैसे चाहिए ना। मेरे पास सोने का मंगलसूत्र रखा है, हम उसी को बेचकर शहर चलते हैं। मंगलसूत्र को बेचकर मिले पैसों से वो दोनों शहर चले जाते हैं। शहर तो आ गए, लेकिन हम जाएंगे कहाँ, यहाँ तो हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है। यही पास में मेरे मौसा मौसी रहते हैं, हम उन्हीं के घर चलते हैं। ऐसा कहकर पायल अजय के साथ अपनी मौसी के घर चली जाती है। मदन लाल जो कि पायल का मौसा है, दरवाजा खोलता है और उन दोनों को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और भारी मन से पायल से कहता है, अरे आज अचानक कैसे आना हुआ पायल बेटा, ना कोई खबर ना सोचना, सब खैरियत तो है ना? क्या बताऊं मौसा जी, इन दिनों हम किस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। इतना कहते ही पायल अपनी सारी कहानी सुना देती है। उसकी बातें सुनकर मदन लाल घबरा जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, ये कहीं यहाँ रहने तो नहीं आ गई? अगर ये यहाँ रुक गए तो मेरे महीने भर का राशन 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा। जल्दी से कुछ सोच मदन लाल और इस बला को यहाँ से भगा। अरे हाँ हाँ मेरे बच्चों, जब तक यहाँ रहना है रहो, लेकिन हाँ अपने खाने पीने का इंतजाम कर लेना। इतना कहकर मदन लाल काम पर निकल जाता है। उसकी बात सुनकर पायल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए अजय से कहती है, बुरे वक्त में अपने साथ छोड़ देते हैं, ये तो सुना था लेकिन आज देख भी लिया। पायल और अजय रोते हुए जाने लगते हैं, तभी उसकी मौसी कमलेश वहाँ पर आ जाती है और पायल को रोकते हुए कहती है,
रो मत मेरी बच्ची, तुम तो अपनी मौसा की आदत को जानती हो। उनकी कंजूसी की आदत से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, और शायद उनकी इसी आदत के कारण आज तक भगवान ने हमें बेऔलाद रखा। तुम इस अनजान शहर में कहाँ जाओगी? कुछ दिन यहीं रुक जाओ, जब कोई काम मिल जाए तो फिर अपना ठिकाना देख लेना। नहीं मौसी, मेरे पति की इज्जत के आगे कुछ भी जरूरी नहीं है मेरे लिए। तो क्या काम करोगे तुम लोग, कुछ सोचा है तुमने? नहीं मौसी, अभी कुछ सोचा नहीं है हमने। वैसे मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हो। यहाँ के लोगों को ऑमलेट बहुत पसंद है। अगर तुम चाहो तो ऑमलेट बनाने का काम शुरू कर सकती हो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। गांव में भी सब इसके हाथों के मसाले वाले ऑमलेट की तारीफ किया करते थे, लेकिन इस सब में खर्चा बहुत आ जाएगा और इतने पैसे तो अभी हमारे पास है नहीं। तुम चिंता क्यों करते हो मेरे बच्चों, मैं हूँ ना। इतना कहकर कमलेश अंदर से तवा और कुछ बर्तन लाकर पायल को दे देती है, साथ ही ठेला और सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे अजय को दे देती है। और कुछ भी जरूरत हो तो अपनी इस मौसी को जरूर याद करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौसी जी। ये कहकर दोनों कमलेश से विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो ऑमलेट के लिए जरूरी सामान और एक ठेला खरीद लाते हैं। पूरी तैयारी करने के बाद अगले दिन सुबह कंपनी और स्कूल के बगल में पायल अपना ठेला लगा लेती है। दोपहर होते होते उसके ठेले पर काफी भीड़ लग जाती है। अगल बगल के स्कूल के बच्चे और कंपनी के लोग आकर उसका बनाया मसाले वाले ऑमलेट खाते हैं तो कहते हैं, भैया आज तक इतना बढ़िया ऑमलेट मैंने नहीं खा। शाम होने तक उसके बनाए हुए सारे ऑमलेट बिक जाते हैं। अरे वाह, एक ही दिन में इतनी अच्छी कमाई होगी मैंने सोचा ना था। अब तुम देखना पायल, हम कुछ ही दिनों में इस शहर में बस जाएंगे। ये सब मौसी की बदौलत ही हुआ है, हम थोड़ा थोड़ा करके उनका दिया हुआ सारा पैसा लौटा देंगे। उस दिन की कमाई से वो किराए पर घर ले लेते हैं। अगले दिन फिर वो सुबह जल्दी उठकर सारे मसाले तैयार कर लेते हैं और ऑमलेट का ठेला लगा लेते हैं। उनके ऑमलेट अच्छे खासे बिक जाते हैं। उधर किचन में खड़ा मदन लाल जब अपना दूसरा तवा ढूंढता है तो वो उसे नहीं दिखता। तभी वो कमलेश से कहता है, भाग्यवान हमारे तो दो तवे थे ना, मुझे दूसरा तवा दिख नहीं रहा और भी बहुत सारा सामान गायब लग रहा है। मुझे क्या पता, यही कहीं होगा, ठीक से देखो। ये कहकर कमलेश पूजा करने चली जाती है। मौसी, हमारे बुरे वक्त में आपने हमें सहारा दिया, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसके बाद दोनों कमलेश से आशीर्वाद लेकर अपने काम पर लौट जाते हैं। चलो आज से जो भी कमाई होगी वो हमारी बचत होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। दिन पर दिन उनके काम में और ज्यादा बरकत होने लगती है। फिर एक दिन मदन लाल को उन पर शक होता है और वो उनके ठेले पर पहुंच जाता है। अरे ये तवा तो मेरा है, तभी कहूँ मेरा सामान कहाँ गायब हो गया, तुम लोग मेरे घर से मेरा सामान चुरा कर ले आए। नहीं नहीं मौसा जी, हमने कुछ नहीं चुराया। इसके बाद मदन लाल अपना तवा और उनके सारे पैसे लेकर चला जाता है। अब हम क्या करेंगे जी, वो तो सामान के साथ हमारे पैसे भी ले गए और इस अनजान शहर में तो हमें कोई उधारी भी नहीं देगा। एक सहारा था वो भी छिन गया। दोनों सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं। तभी अजय कहता है, अब तुम यही ठहरो, मैं अभी आता हूँ। कुछ ही देर में अजय स्त्री के साथ वापस लौटता है। ये स्त्री मैंने लेके रखी थी, सोचा था धीरे धीरे मैं भी बगल में कपड़े इस्त्री करने का काम खोलूंगा। तुम ऐसा करो, इस पर ही ऑमलेट बनाना शुरू कर दो। इस पर ऑमलेट कैसे बनेंगे जी? जरूर बनेंगे, तुम एक बार कोशिश करके तो देखो। पायल इस्त्री पर मसाले वाले ऑमलेट बनाने लगती है और इस्त्री पर बने ऑमलेट का स्वाद चखने के लिए उसके यहाँ भीड़ लग जाती है। रोज के मुकाबले आज उनकी और भी अच्छी कमाई होने लगती है। इस्त्री पर बने ऑमलेट के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं। शहर भर में दोनों फेमस हो जाते हैं। एक दिन एक लड़का उनके इस्त्री वाले ऑमलेट की वीडियो बना लेता है और यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। उनकी वीडियो देखकर एक बिजनेसमैन उनके ठेले पर आता है और ऑमलेट खाकर कहता है, वाह वाह, इतना टेस्टी ऑमलेट मैंने आज तक नहीं खाया। वाह वाह वाह, वाह वाह, इट्स जस्ट अमेजिंग। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। आहा, क्या बात है, क्या तुम दोनों मेरे साथ काम करना चाहोगे? वाह बाबा। जी नहीं। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ठगूंगा नहीं। मेरे कई शहरों में काफी रेस्टोरेंट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं शहर में भी अपनी एक ब्रांच खोलूं और उसकी शुरुआत मैं आपके बनाए इस्त्री ऑमलेट से करना चाहता हूँ। और मेरे इस नए रेस्टोरेंट के मालिक तुम दोनों हो गए,
साथ ही तुम दोनों को ही सब संभालना होगा। बस मुझे 30% प्रॉफिट दे देना। फिर वो दोनों उस बिजनेसमैन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ महीनों में ही दोनों लाखों कमा लेते हैं, साथ ही गांव में और दूसरे शहरों में भी ब्रांच खोल देते हैं। देखते ही देखते वो काफी अमीर बन जाते हैं। जहाँ कमलेश उन दोनों की तरक्की देखकर खुश होती है, तो वही मदन लाल जल भुन जाता है।